नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जी के एंड वर्कशॉप की इस वीडियो पर। दोस्तों, ये मेरे पास स्प्लेंडर है, BS6 की बाइक। और इस बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो चेक इंजन लाइट है वो हमेशा ऑन रह रहा है। हमने इसे स्कैन किया है स्कैनर से और स्कैनर के अंदर फॉल्ट आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा ये क्या है, कंपनी वाले क्या बोलते हैं जब बाइक बिकती है उसी टाइम पर यूज़र से कि ये आपकी बाइक के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो ये चेक इंजन लाइट आपका ऑन हो जाएगा, यानी कि ये लैंप ऑन हो जाएगा, ये कंपनी से बोला जाता है। और अगर ये बाद में जब बाइक यहाँ पे चली हुई है 38,000 किलोमीटर और उसके बाद ये ऑन रहे तो कस्टमर जो यूज़र है, बाइक चालक है, राइडर है, उसका माइंड यहाँ पर जाता है और ये उसे प्रॉब्लम देता है, कहना चाहिए सर में दर्द करने वाला जो चीज़ है ये। लेकिन हम यहाँ पर प्रॉब्लम एक ये है कि इसका स्कैनर से हम जैसे इसका फॉल्ट कोड को इरेज भी कर देते हैं तो ये थोड़ा देर बाद वापस से आ जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंगल फॉल्ट आता है इसके अंदर। यहाँ पे हम इसे इंटर किए और ये करंट फॉल्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है P1531 और ये जो कोड होता है वो हमारा थ्रोटल पेडल सेंसर का कोड होता है, यानी कि TPS सेंसर का कोड होता है। तो ये कोड इसके अंदर आ रहा है। एक बार मैं आपको इसे इरेज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आया ऑप्शन इरेज का, मैं इरेज मारा, ओके किया और यहाँ पे हमारा हैज बिन क्लियर हो गया, यानी कि हमारा जो कोड है वो चला गया। अभी हम इसे ऐसी कंडीशन में स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा चेक इंजन लाइट को जाना चाहिए था, वो नहीं गया, इरेज करने के बाद भी तुरंत यहीं पे है। एक बार और भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ चेक इंजन लाइट इसका, ओके करेंगे और मैं सीधा इरेज मार देता हूँ इधर पे। सिंगल फॉल्ट अभी भी है, यहाँ इरेज मारते हैं, ओके करते हैं, ये हो गया क्लियर। अब इसका हम इग्निशन को एक बार ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे और यहाँ चेक इंजन लाइट नहीं गया, अभी गया और अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, आ गया। इसी तरीके से यही प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर। इसके अंदर ये देखना है, ये बाइक है, किसी ने चेक भी किया है इसे फुल तरीके से कि वो कहीं से वायर कट ना हो, सारा चीज़ चेक किया हुआ है। यहाँ पे देखना है ये वायर हमारे ECM के अंदर और ये इसका कंटिन्यूटी चेक करना है यहाँ पर। तो इसका जो सीट है इसे हमें ओपन कर लेना है और यहाँ पर है इसका ECM, यहाँ से इसका कपलर आउट करना है। आउट करने के बाद इससे यहाँ से इस तरीके से इसका कैप आपको निकाल लेना और यहाँ पे आपको सारे वायर TPS सेंसर का मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, इधर पे हम जैसे कि यहाँ पे लगा देते हैं, ये है कार्बन कलर पे ब्लू कलर का लाइन है ना, तो इसके अंदर इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना, ठीक। उसके बाद वही वायर हमें यहाँ पे ढूंढना, तो यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे देखो, एक दो, ये तीसरे नंबर का वायर है तो यहाँ पे हमें तीसरे नंबर पे ऐसे चेक करना। यहाँ पे देखो, हमारा लैंप ऑन है और ऐसे मैं जैसा निकालूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो वायर है वो हमारा सही है, तीसरे नंबर में ये लैंप ऑन हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे लगाएंगे तो ये है ग्रीन पे ऑरेंज लाइन का, तो इधर पे भी ऐसा ही ऐसे कनेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन पे ऑरेंज लाइन, ये हमें ढूंढना है वायर को, तो यहाँ पे हमें मिला ये है दूसरे नंबर का ये वाला वायर, है ना। तो यहाँ बीच पे ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे लैंप हमारा ऑन हो जाएगा, तो ये वायर भी हमारा सही है। ये लैंप मैं सीरीज में लगाया हुआ हूँ, मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, तो इससे मेरे को ये इजी हो जाता है चेक करने का। वायरिंग हमें यहाँ पे सप्लाई पूरा दिखा देता। अब ये हमारे दो वायर हो गए, तीसरा वायर पर इसी तरीके से कनेक्ट करना है, तो ये यहाँ पे कहना चाहिए ग्रीन पे ब्लैक लाइन, ये हो गया
तीसरा वायर हमारा है ना। अब ये वायर को हमें फिर से वापस यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे ये है, ये वाला वायर है, तो ऐसे गिनती कर लेना हमें इसके जस्ट सामने, 1 2 3 4 5, ये पांचवे नंबर का वायर है, 1 2 3 4, ये 5। तो यहाँ पे ये लैंप ऑन हो गया, ये वायर भी हमारा सही है, ये है ना। अब हमारा आता है चौथे नंबर का वायर, तो ये चौथे नंबर में ऐसे कनेक्ट करना है। तो ये कार्बन कलर पे यहाँ पे येलो लाइन है ना, तो ऐसे चेक करना है। ऐसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से वापस आते हैं, कार्बन कलर पे येलो लाइन, तो येलो लाइन है ये है ना, मतलब ये यहाँ बीचों बीच पे पहला कपलर, यहाँ पे हमारा लैंप वापस से ऑन हो गया। इसे मैं निकालूँगा और ये ऑफ हो जाएगा है ना, ये तो ये इसका वायर भी यहाँ तक का सही है। अब आता हमारा लास्ट वायर, तो लास्ट में हमारा ग्रीन पे, ऐसे ग्रीन ही समझें, तो ग्रीन पे येलो कलर का लाइन है, ऐसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रीन पे येलो, ये वायर हमें ढूंढने का है, यहाँ पे ग्रीन पे येलो लाइन ये है, ठीक ये वाला तार है। तो ऐसे आपको गिनती ले लेना है, 1 2 3 4 5 6, ये छठवें नंबर का वायर है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये तो ये लैंप ऑन है। इसे मैं निकालूंगा यहाँ से और लैंप वहाँ पे ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये जो वायर है आप पूरा हम ऐसे क्लियर कर लिए कि ये वायर हमारा कहीं से टूटा नहीं है, TPS सेंसर का कोई भी वायर यहाँ पे टूटा नहीं है। यहाँ पे हमारा कुल मिला के 3 सेंसर होता है, हमारा TPS सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, मैप सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तो यहाँ पे 2 इनपुट वोल्टेज हैं और 3 आउटपुट हमारा ये वोल्टेज है ना, इस तरीके से। अब देखते हैं दोस्तों इसका प्रॉब्लम कहाँ पे मिलता है हमें, पहले इसे अच्छे तरीके से और भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे मिला है काफ़ी देर के बाद, जबकि ऐसे हमें पहले ही देख लेना था, यहाँ पे ये पिन देखेंगे आप तो ये कटा हुआ है, तो यहाँ पे ये कटा हुआ, किसी ने ऐसे ओपन किया है और इसके अंदर यहाँ पे जो पिन है उसे देखेंगे आप तो यहाँ डबल हो गया है, देखो ये यहाँ पे इस जगह पे जो ECM का सप्लाई है ये आपस में कनेक्ट हो गया। तो ऐसे देखते हैं कहीं ये सीधा होकर ये काम कर जाए, बाकी ये ECM अगर ये सीधा नहीं होता तो ECM ख़राब हो सकता हमारा। ऐसे किसी ने ज़बरदस्त पे डाला हुआ है और ये पिन इसका बैंड हो गया। यहाँ पे ये प्लास है प्लाकर और इसी से ये सीधा हो सकता है, बहुत आराम से इसे करना है अगर ऐसा कोई पिन बैंड हो जाए तो। ऐसे लगाकर एक बार और चेक करते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है नहीं, काफ़ी ये सीधा हो गया है। फिटिंग करते हैं इसे, ये और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो सेंसर है इसे फिटिंग करते हैं, ऐसा है ना। फिर हम यहाँ पे इसे ऑन करते हैं, एक बार ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। अभी चेक इंजन लाइट इसका बना हुआ है, ऑफ करेंगे और स्कैनर पे इसे इरेज कर देंगे, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। सीधा सीधा इसे इरेज कर देते हैं, सिंगल फोल्ड आ रहा है इसके अंदर, ये हो गया क्लियर। अब इसका इग्निशन हम
ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, मैं लगाता हूँ सेल्फ, चेक इंजन लाइट गया और ये कुछ टाइम बाद आ जाता था, अभी तो नहीं आया है, यानी कि हमने जो ECM का काम किया वो सक्सेसफुल हो गया। वापस से इग्निशन ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो यहाँ पे अब ये नहीं आया। परफेक्ट है ना। तो इस तरीके से बाइकों का जो प्रॉब्लम है उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ।